देखो, जाबियार ने खास ताकीद की है कि गाड़ी में ही आना। उसे अच्छा नहीं लगा है तुम्हारा यूं कॉलेज आना। वैसे बहुत शौक था ना आपको, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। क्या मतलब है? मतलब तो मेरा साफ है, मैं समझूं। रिदा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। अच्छी बात करने का ना तो मुझे भी शौक नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है मेरी, मैं क्या करूं? देखो रिदा, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। Can you please just not talk to me? लेकिन बहस तो अब छिड़ गई है, नहीं? आपको क्या लगा था कि इतना सब कुछ करके आप सुकून की जिंदगी जिएंगी? और वैसे भी कॉलेज तक तो बात काबिले बर्दाश्त थी, लेकिन अब तो आप घर में आ गई हैं। देखो, तुम्हें जो भी बात करनी है तुम जावियार से करो। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं ये गाड़ी यूज कर सकती हूँ। अच्छा, मतलब डैड ने कहा है? रहम आ गया होगा ना उनको, बहुत जल्दी रहम खाते हैं वो। वैसे आपकी तो नाक बहुत बड़ी थी ना, तो ये फेवर कैसे एक्सेप्ट कर लिया आपने? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, आज के बाद नहीं लूंगी वो फेवर्स। लेकिन आप तो ले लिया, और फेवर्स लेते लेते आप हमारी जिंदगी में भी आ गई हैं। वेरी नाइस। आप एक काम करें, आप प्लीज मैं साइड पे गाड़ी रोक दें। सोच लें मैं समरीन, ये काम करके आप बहुत अच्छा करेंगी, और वैसे भी आपको सूट नहीं करता कि आप मेरी ही गाड़ी में बैठ के मुझे ही बातें सुनाएं। मैं साइड पे रोक दूं प्लीज। लेकिन बेगम साहिबा, साहब को पता चलेगा तो वो नाराज होंगे। गाड़ी रोकें आप, बहुत शौक है ना इनको, रोड पे उतारे, इनका शौक पूरा करें। लेकिन छोटी बीबी, मैंने कहा कि आप गाड़ी रोकें, उतारे इनको। पापी, मैं कह रहा था कि अगले 2-3 दिन जरा